हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD। और जो हमारा COPD जो हमारी डिजीज होती है उसकी में कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं उसके मैनेजमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी COPD होती है इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, हम इसको जो है रोक सकते हैं, इसकी जो डिफरेंट टाइप की स्टेज होती है उसमें हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम जो ड्रग इसके मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा COPD होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे ये चार वर्ड से मिलके चार अल्फाबेट्स में है COPD। ठीक है, तो अब इसको ऐसे याद करते हैं, सी 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 मीन्स हो गया हमारा क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक एक टाइप का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, COPD मीन्स दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम डिफाइन करना चाहें या फिर बताना चाहें कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ, ये ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज, मतलब कि जो लंग्स की डिजीज होती है उनका एक ग्रुप है, डैट जो कि हमारा ब्लॉक एयर फ्लो, जो कि हमारा एयर फ्लो को ब्लॉक कर देता है एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और डिफिकल्टी पैदा करता है जब हम सांस लेते हैं उसको डिफिकल्ट बनाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में देखें तो क्या बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, कुछ कुछ डिजीज हैं, कुछ लंग्स की ऐसी डिजीज हैं जिनका एक ग्रुप है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा एयर फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और सांस लेने में जब वो ब्लॉक कर देगा तो उससे क्या होगा, हम सांस लेने में हम कठिनाई महसूस करेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है, मतलब कि जो डिजीज है वो कई सारी हैं। ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, तो COPD इंक्लूड्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, मींस जो हमारी ब्रोंकियोल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन जो होता है उनको बोलते हैं हम, ठीक है, उनको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, फिर हमारा आता है इम्फीसीमा। ठीक है, तो इम्फीसीमा क्या होता है, जो हमारी एल्वोलाइज होती हैं, ठीक है, जो एल्वोलाइज हमारी होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन जो होता है उनमें उनको बोलते हैं इम्फीसीमा। फिर है ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, अब ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस ये दो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों हमारे इन्फ्लेमेशन होती हैं। अब ये हमारा यहाँ पे हमारा जो है ब्रोंकाई में होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में जो है जो हमारी ब्रोंकाई होती है उनसे उनमें इन्फ्लेमेशन होगा। और जब ब्रोंकियोलाइटिस हमारी ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियोल्स हमारे होते हैं, मतलब कि जो उससे छोटे, जो हमारी इनका डायमीटर छोटा होता है उनसे, ठीक है, उनमें हो जाता है, ये उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं हम ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक हमारा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा हमारा है इम्फीसीमा, और एक हमारा है ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ये हमारा COPD बनाती हैं। ठीक है, फिर क्या है, COPD इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, ये हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें बताया गया है कि किस टाइप से हम इसमें कौन कौन सी कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारी क्या हुआ, ये हमारा ब्रोंकाई हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ब्रोंकाई हो गई, ये वाले जो हमारे हैं ये हमारे हो जाएगी हमारे ब्रोंकियोल हो गए। ठीक है, और ये वाली हमारी जो है ये हमारी एल्वोलाइज हो गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये हमारी जो ये जो है ये हमारे, ठीक है, ये वाले ये हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आए हैं ये वाले, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं जो कि बोलते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकियोल होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन जो होगा तो वो बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, और ये जो हमारी एल्वोलाई है, और इस एल्वोलाई में जो हमारा वो होगा डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्फीसीमा। ठीक है, और जो ये वाली हमारी है, ये वाली है या फिर ये वाली है, ये वाली हमारी ब्रोंकाई है। ठीक है, इसमें जब होगा तो इसको बोलते हैं हम क्रॉनिक ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इसमें कुछ नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन जब होगा तो ये नैरो हो जाती है। नैरो कैसी होगी, नैरो तब होगी जब वो स्वेल हो जाएगी, भाई इसके अंदर हमारा स्पेस होता है जिससे हमारा एयर फ्लो अंदर आता है। ठीक है, अब एयर फ्लो अंदर तब आएगा जब इसके अंदर हमारा एयर स्पेस होगा, तो इसमें होता क्या है, जब ये स्वेल हो जाएगी अंदर से तो इसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब डायमीटर कम हो जाएगा मूकस आ जाएगी। ठीक है, मूकस वहाँ पे सिक्रीट होने लगेगी, तो इससे क्या हमारा होगा, इससे जो है एयर फ्लो कम हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि हमारा सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ सिम्टम्स कौन कौन से हमारे, ठीक है, कौन कौन से हमारे सिम्टम हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे COPD के सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो नंबर वन पे हमारा सिम्टम आता है जो कि हमारा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
मतलब कि जो हमारी सांस है जल्दी जल्दी सांस लेंगे, शॉर्टनेस हो जाएगी ठीक है उसमें। दूसरा हमारा है कफ होएगा, खांसी आएगी, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ठीक है। विजिंग साउंड होगा, मतलब कि सही से आवाज़ नहीं निकलेगी ठीक है, विजिंग होगा ठीक है। दूसरा हमारा है वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा, फटीक महसूस होगा हमको, और एक चेस्ट पे प्रेशर के जैसे होगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि चेस्ट पे कोई भारी चीज़ रखी हुई है, भारी भारी लगेगा चेस्ट के ऊपर ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब इसके हम कॉजेज देख लेंगे, मतलब कि इटियोलॉजी क्या है, इसके कॉज कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ से ये हो सकता है ठीक है। तो कहते हैं द बाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ स्मोकिंग, भाई लंग्स की जितनी भी डिजीज हैं ठीक है, सब में स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है उसकी कॉज में ठीक है। कि अगर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें लंग्स की डिजीज होने तय है ठीक है। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, सीओपीडी होने के चांस रहते हैं। तो सबसे मेन रीजन हमारा हो जाता है स्मोकिंग ठीक है। अब ये स्मोकिंग दो टाइप से होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग ठीक है, और दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग ठीक। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने छोटे पे पढ़ा होगा, किस इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेंटेंस होते हैं दो टाइप के, भाई एक्टिव वॉइस होते हैं पैसिव वॉइस होते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये डायरेक्टली हम डायरेक्टली इनको यूज करते हैं। जैसे हम लेते हैं कि राम घर जाता है, तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस हो गया ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव। तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्मोकिंग में क्या होगा कि जो इंसान डायरेक्टली स्मोकिंग कर रहा है, मतलब कि वो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ठीक है, गांजा फूंक रहा है, तो वहां पे हमारी स्मोकिंग वो डायरेक्टली कर रहा है, तो या वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट एक्टिव स्मोकिंग ठीक है। और फिर जैसे होता है कि ग्राम फिर जो हमारा पैसिव वॉइस होता है, इसमें क्या होता है कि वो जो इंसान है वो इनडायरेक्टली वहां पे हो रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली उसके एक्सपोजर में आ रहा है। जैसे कि है कि दो लोग हैं ठीक है, एक राम है दूसरा श्याम है ठीक है। अब राम जो है वो सिगरेट पी रहा है लेकिन श्याम नहीं पीता है ठीक है, तो अब लेकिन उसके साथ में रहता है भाई, उसका दोस्त है उसके साथ में रहता है, तो ये हाईली चांसेस हैं कि दोनों को सीओपीडी हो जाए। अब दोनों को कैसे होगा, भैया जो धुआं है वो श्याम भी तो अपने अंदर ले रहा है, मतलब कोई स्मोकिंग है एक्टिव, राम तो चलो कर ही रहा है लेकिन वो राम जो बाहर धुआं निकालेगा तो श्याम भी तो लेगा, तो इससे बोलते हैं पैसिव, मतलब कि वो इनडायरेक्टली उसके एक्सपोजर में आ रहा है ठीक, इसको बोलेंगे पैसिव वाइज ठीक है। तो एक्टिव पे समझ में आया कि जो डायरेक्टली जैसे कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिव, और दूसरा इनडायरेक्टली किसी के पास हो रहा है ठीक है तो उसको बोलेंगे पैसिव। तभी कहते हैं कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम खुद को तो नुकसान पहुँचा ही रहे हैं लेकिन हम दूसरों को भी नुकसान ना पहुँचाएं ठीक है। फिर हमारा आता है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी बहुत बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है, जैसे गाड़ियों का धुआं वगैरह होता है ठीक है, डस्ट वगैरह होती है, तो इससे हमारा क्या होता है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है जिससे कि हमारा सीओपीडी कॉज हो सकता है ठीक है। फिर क्या है, ऑक्यूपेशन डस्ट हो जाती है ठीक है, ये ज़्यादा हमारी डस्ट है, यह हमारी बहुत ज़्यादा हमारी सीवियर होती है, फिर हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है ठीक है। फिर क्या है, सीवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अगर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है ठीक है, तो उसके कारण हमारा सीओपीडी हो सकता है ठीक है। फिर है वायरल इन्फेक्शन, अगर जो हमारा कोई वायरस के थ्रू कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमारा सीओपीडी कॉज हो सकता है। ये इसके हैं हमारे कुछ थे, ये हमारे कुछ थे इसके कॉजेस, इटियोलॉजी कौन कौन सी थी। अब हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि ये सीओपीडी तीन चीज से मिलके बना है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ठीक है ये हमारा होता है, दूसरा कहता है इम्फिसीमा होता है, तीसरा हमारा होता है ब्रोंकियोलाइटिस ठीक है। ये हमने पढ़ा था, हमने ये जाना था कि ये हमारा ब्रोंकाई में जो होता है उसको जो इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई में होगा तो होगा हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियोल ट्यूब्स ठीक है, ठीक है, एंड विच कैरी एयर टू द फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई एयर सैक लंग्स एंड इज डेली ऑफ अ म्यूकस प्रोडक्शन ठीक है। ये इसकी कुछ है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है, ये हमारा हो गया ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, देर इज नो क्योर ऑफ सीओपीडी, मतलब कि हम सीओपीडी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन में हम नो स्मोकिंग कर लें वो कर सकते हैं ठीक है। ये हमारी जैसे हम इसको प्रिवेंट करने के क्या है, हम सेल्फ केयर का जो करें ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं ठीक है, स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं ठीक है, एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, इसे लंबी सांस लें फिर होल्ड करें फिर धीरे धीरे छोड़ें ना, ये सब कोई एक्सरसाइज होती हैं ठीक है, वो कर सकते हैं। फिर ये दूसरा तरीका हमारा होता है जो कि होता है ऑर्गन थेरेपी होता है ठीक है। तो ये इसमें क्या, ऑर्गन थेरेपी में कुछ नहीं करते हैं, हमें एक्स्ट्रा ओटी जो है वो लंग्स को प्रोवाइड करते हैं ठीक है, ये सिंपल सा हमारा होता है ऑर्गन थेरेपी। और फिर नंबर तीन पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो कि यूज होती हैं किसमें, सीओपीडी के ट्रीटमेंट में या फिर मैनेजमेंट में ठीक है। तो इसमें क्या है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में देखेंगे हम, तो इसमें क्या है
कि सबसे नंबर एक पे हमारी आती है, नंबर एक क्लास की ड्रग हमारी है ब्रोंकियो डायलेटर। भैया ब्रोंकाई नैरो हो रही थी, इससे क्या हमारा हो रहा था, इससे हमारी जो हमारी एयरवे है वो ब्लॉक हो रहा था, हम सांस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो जो नैरो हो रही थी उसको हम डायलेट करेंगे, ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे। इससे क्या होता कि जब डायलेट होगा तो उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, डायमीटर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है O2 की सप्लाई अच्छे से हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डायलेट हो गए ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई डायलेट होगी, इससे क्या होगा हमारा O2 का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, O2 वहाँ पे पड़नी, O2 सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकियो डायलेटर होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, इसमें तीन टाइप की क्लासेस दी गई हैं, जो कि हमारा है पहला होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, जिसमें हमने अभी अस्थमा पढ़ा था, तो उसमें हम पूरे विस्तार से हमने इसको पढ़ा था, किस टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है, क्या इनका मैकेनिज्म है, क्या एडवांटेज, जो भी हमारा एडिया सेट था वो सब हमारे इसमें देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जो है सालबुटामॉल होता है, हमारा फॉर्मेट्रॉल होता है। ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल अभी होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, अस्थमा का वीडियो देखिएगा, उसमें ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी कौन कौन सी इसमें आती हैं, जो है टायरोपियम ब्रोमाइड आती है, टियोटोप्रोम ब्रोमाइड और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आती है। ठीक है, ये जो ब्रोमो भी होता है इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, फिर हम आता है PDE4 इनहिबिटर, मतलब कि ये होता है हमारा PDE4 इनहिबिटर होता है, तो इसमें थियोफायरिन, ठीक है, थियोफायरिन है एंड ETC ड्रग्स और सारी इसकी ड्रग्स होती हैं, आप इसका पीछे वीडियो देखेंगे, उसमें अस्थमा वाले ड्रग में अच्छे से समझाया गया। ठीक है, फिर हमारा है दूसरे नंबर पर आता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या है 100 एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, मतलब कि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन दिखाते हैं, इसमें क्या हमारा पेनिसिलिन यूज करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज करते हैं, बुटेसोनाइड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, डुआलिन यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारा आता है नंबर तीन क्लास की ड्रग हमारी आती है एंटीबायोटिक्स, एंड नंबर चार पे हमारा आता है जो कि हमारा है एंटीवायरल। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में क्या करते हैं, ये हमारी बैक्टीरिया जो होती है जिसका इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है इनको किल कर देते हैं। ठीक है, इसके एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और कुछ एंटीवायरल जो होती हैं जो वायरसेस को किल कर देते हैं, जो ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मैकेनिज्म वगैरह है, ठीक है, ये आप जो है हमारी जो पिछली वीडियो है अस्थमा है उसमें अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है ना, अच्छे से बताया भी है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ से नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा COPD खत्म हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में हम एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टेसिव एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताइएगा कि किस टाइप से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सब बात है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।